असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने इस साल अगस्त माह में ई श्रम कार्ड शुरू की। इस कार्ड की मदद से रजिस्टर्ड कामगार देश में कहीं भी कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। कल्याणपुर में राष्ट्रवादी पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओबीसी सेल के जिलाध्यक्ष एकनाथ महात्रे के मार्गदर्शन में चिंचपाड़ा स्थित कार्यालय में शिविर का आयोजन किया। चार दिन चले इस शिविर का लाभ करीब 750 से अधिक लोगों ने लिया। शिविर के समापन में पहुंचे मुख्य अतिथि प्रफुल्ल महात्रे का स्वागत एकनाथ महात्रे ने शाल और पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ये सब उनके लिए ये योजना है, तो ये योजना उनके तक उन्हों तक पहुंचना ये बहुत जरूरी था। लेकिन गरीब लोगों को जितना वो अभी कोरोना के हिसाब से आज लोगों की परिस्थिति बहुत बिकट चल रही है, और हम लोग को आदरणीय शरद पवार साहब ने आदेश दिया कि अपना पक्ष कैसा मजबूत होना मांगता है, पक्ष कैसा बढ़ाना मांगता है, वो हिसाब से जो अपने पक्ष में लोग आएंगे, अपन कुछ लोगों के लिए काम करेंगे तो ही अपने पास वो लोग आएंगे। ऐसा है, मतलब वो लोग जितने आएंगे, 3 दिन का जो शिविर था, 3 दिन का होके फुल सपोर्ट उनको मिला हम लोगों को, और जो लाभ था वो उनको भी मिलने वाला है सरकार की तरफ से। लेकिन आदेश जो दे रहे जयंत पाटिल साहब, जितेंद्र आवाड़ साहब, उन्होंने भी हमको बताया कि बाबा ऐसा ऐसा ये शिविर रखो, तो लोगों को जो लाभ हो रहा है अभी मालूम ही रहा है कि 3 दिन का शिविर 4 दिन पे गया, 4 दिन पे गया तो हम लोग को 1 दिन बढ़ाना पड़ा। तो ये इतना जो हमको सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, और लोगों को समझ में आ रहा है कि ये शिविर का लाभ क्या है, वो हिसाब से हम लोग ये कल्याण जिले में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लोगों की क्या समस्या है वो भी पूरी करते रहेंगे। और अवड़ साहब के आदेश अनुसार वो बोल रहे कि अपन पक्ष बढ़ाना, ये आप हमारे जिले के जो सेल है सब सेल को सबको आदेश दिया है कि ये सेल में जो रहेगा कौन सा भी सेल, ओबीसी रहने दो, एसटी,